आईटीआई टेक्निकल मास्टर चैनल पे मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे इंजन में यूज होने वाले वाल्व। वाल्व क्या है, वाल्व किस धातु का बना होता है, वाल्व के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वाल्व कितने प्रकार का होता है, इन सब बातों के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले वाल्व क्या है। वाल्व कहने का अर्थ है वैसा डिवाइस जो किसी लिक्विड, सेमी सॉलिड या गैसियस फॉर्म में सब्सटेंस है उस पर कंट्रोल करे, यानी कि उसके फ्लो को कंट्रोल करने के जो डिवाइस है उसको हम लोग वाल्व कहते हैं। सामान्य शब्दों में कहें, सिंपल लैंग्वेज में कहें, तो वाल्व वह मैकेनिज्म है जिसकी सहायता से हम लोग लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसियस सब्सटेंस को अपनी आवश्यकता अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। इंजन के अंदर भी जैसा कि आप जानते हैं सक्शन की क्रिया होती है, सक्शन के बाद सिलेंडर में हवा प्रवेश करता है, उसके बाद कंप्रेशन होती है, तो कंप्रेशन के समय वो हवा लीक ना हो उसके लिए वाल्व को बंद करते हैं। वाल्व बंद करेंगे तो हवा बंद हो जाती है, लीक नहीं होती है। सक्शन के समय वाल्व को खोलते हैं और वाल्व हवा को आने के लिए अलाउ करता है सिलेंडर में। उसके बाद पावर में भी वाल्व बंद रहती है और जब आग लगती है तो पिस्टन को जर्क मिलता है, धक्का मिलता है। इसी तरह से एग्जस्ट स्ट्रोक में एग्जस्ट वाल्व खुलती है और जली हुई गैस को बाहर निकाला जाता है, यानी कि जो वायुमंडलीय एयर है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए इंजन के अंदर भी वाल्व का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी कई तरह के वाल्व हैं जो कि दैनिक जीवन में हम लोग जैसे घर में प्रयोग करते हैं। नल में भी वाल्व लगा हुआ है जिसको हम लोग खोल करके पानी निकालते हैं, वो भी एक गेट वाल्व है। गेट वाल्व है, ग्लोब वाल्व है, रिलीफ वाल्व है, सेफ्टी वाल्व है, इस तरह से कई सारे वाल्व हैं। लेकिन हम लोग जो इंजन के अंदर वाल्व का प्रयोग करते हैं वो मोस्टली चार तरह के वाल्व का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो हम लोग प्रयोग करते हैं रीड वाल्व, दूसरा है स्लीव वाल्व, थर्ड है रोटरी वाल्व और फोर्थ है पॉपेट वाल्व। पॉपेट वाल्व, चार तरह के वाल्व हुआ, रीड, स्लीव, रोटरी और पॉपेट। रीड और स्लीव वाल्व ये दोनों वाल्व है जो टू स्ट्रोक इंजन में, यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस के कारण खुलता और बंद होता है या पिस्टन के चलने से जो उसमें अपने आप जो धक्का लगती है या पिस्टन वहां से गुजरता है और उस वाल्व के पास जब पहुंचता है तो उसको खोलता और बंद करता है, यानी कि फ्लैपर टाइप का वाल्व है। फ्लैपर, फ्लैप ओपन होना और बंद होना, फ्लैप ओपन और बंद होने की क्रिया पिस्टन के द्वारा परफॉर्म कर दी जाती है, जो कि टू स्ट्रोक इंजन में प्रयोग किया जा सकता है। टू स्ट्रोक इंजन थर्ड हो गया रोटरी वाल्व। रोटरी वाल्व कैसा होता है, रोटरी वाल्व होता है मतलब घूमने के, जैसे किसी शाफ्ट है, शाफ्ट के अंदर हॉलो है, हॉलो और यहां पे पैकेट कटा हुआ हो, ठीक है, इस तरह का पैकेट कटा हुआ हो और जब ये रोटेट करेगा और जहां पे हेड है, हेड के अंदर भी इस तरह का खांचा बना हुआ रहेगा और जब उसके सामने जब आएगी तो सक्शन की क्रिया होगी, कंप्रेशन की क्रिया होगी। लेकिन चूंकि ये पूरा सिस्टम घुमाने के लिए हमेशा ये रोटेट करता रहेगा तो इसमें इंजन का फ्रिक्शनल हॉर्स पावर ज्यादा खर्च होता है, यानी कि ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है पूरे रोटर को घुमाने के लिए।
इसके अलावा इसका और डिमेरिट है, जब घूमते रहता है अपने हाउसिंग में तो यह घर्षण क्रिएट करेगा। घर्षण होगा, घूमेगा तो घर्षण क्रिएट होगा, और घर्षण क्रिएट होने के कारण ये घिसता है, घिसने से इसमें फेल्योर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए आजकल इन सब वाल्व का प्रयोग नहीं करते हैं। चौथा जो वाल्व है उसको हम लोग कहते हैं पॉपेट वाल्व, और आप देखे होंगे इसी वाल्व का प्रयोग करते हैं। पॉपेट वाल्व कैसा होता है, इसका एक फिगर देख लेते हैं हम लोग। पॉपेट वाल्व होता है इस तरह का एक वाल्व है, नॉर्मल जो इंजन में आप देखे होंगे इस तरह का। इसको हम लोग कहते हैं पॉपेट वाल्व। पॉपेट वाल्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि अपने सीट के ऊपर ये पॉपिंग करता है, ऊपर नीचे करता है, इसलिए इसका नाम पॉपेट वाल्व है। अब इस वाल्व में क्या क्या होता है, कौन कौन से भाग होते हैं, क्योंकि आप जितना भी मॉडर्न इंजन देखेंगे, जितना भी इस तरह का इंजन है, वो सारे के अंदर इस तरह का ही वाल्व प्रयोग किया जाता है। ये सब आप ऐतिहासिक रूप से याद रखने के लिए याद रखिए, बट ये सब ज्यादातर इतिहास हो गया है। अब इन सब का प्रयोग बहुत ही कम होता है, टू स्ट्रोक इंजन में रीड वाल्व वगैरह का प्रयोग होता है, लेकिन मैक्सिमम अब जो प्रयोग हो रहा है यह है पॉपेट वाल्व। और इसके पार्ट्स के बारे में, इसका कौन कौन सा भाग को क्या बोलते हैं तो जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं हेड, इसको कहते हैं फेस, और फेस और हेड के बीच में थोड़ा सा जगह रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन, क्योंकि ग्राइंडिंग करने के लिए थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, वाल्व को ग्राइंडिंग किया जाता है। और इस भाग को जो यहां से है, नेक है ये नेक, और नेक से जो ऊपर का भाग है इसको हम लोग कहते हैं स्टेम, स्टेम। और ये जो देख रहे हैं इसमें डाया कम है, ग्रूव कटा हुआ रहता है, जहां पे कॉटर को फंसाते हैं और स्प्रिंग इसके साथ लॉक हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉटर या कॉलेट ग्रूव, कॉटर और कॉलेट, कॉलेट ग्रूव। और ये इस भाग को कहते हैं सबसे ऊपर टिप, टिप यानी कि इतने सारे इसके अंदर अलग अलग भाग हैं, और यही डिजाइन में लगभग आपको मिलेगा। इसमें फेस एक है, फेस जो सीट के साथ सील करता है, यानी कि जब टच हो जाएगा तो सीलिंग का कार्य करता है। तो ये फेस है, जहां बैठता है उस भाग को सीट कहते हैं, और सीट और फेस के बीच में एक एंगल होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। एंगल कितना होता है सीट और फेस के बीच में, एंगल या तो 30 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा, ये दोनों में से कोई भी एंगल रख सकता है, इसके और इसके बीच में नहीं रहेगा, या तो 30 डिग्री होती है या तो 45 डिग्री होता है। फेस का एंगल जो सीट के साथ बैठता है, यहां से मार्जिन के बाद जो एंगल बनती है उस एंगल को फेस कहते हैं, और फेस एंगल कितना होगा 30 डिग्री टू और 45 डिग्री, यानी कि वाल्व जो पॉपेट वाल्व है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को आप जान गए। अब हम लोग जानते हैं कि किस धातु का बना होता है, ये हमेशा पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। वाल्व की संख्या, जैसा कि जानते हैं इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व होता है, इनलेट वाल्व का चलने का रनिंग कंडीशन अलग है, क्योंकि उसमें फ्रेश हवा जब इन होती है तो वाल्व के बॉडी से स्टेम से टकरा करके जाती है, तो वो ठंडा होता है, और एग्जॉस्ट वाल्व से जली हुई गैस निकलती है, तो गर्म हवा उसके बॉडी से उसके स्टेम से टकरा के जाती है, यानी कि दोनों का प्रसार अलग अलग होता है, जिसके कारण वाल्व के मटेरियल भी अलग अलग होते हैं। तो याद रखिएगा, इनलेट वाल्व
का मटेरियल है निकेल क्रोमियम स्टील, निकेल क्रोमियम स्टील, और एग्जॉस्ट वाल्व का जो मटेरियल होता है सिलिकॉन क्रोमियम मॉलिब्डेनम स्टील। याद रखना है, कम से कम इतना याद रखिएगा, सिलिकॉन क्रोमियम स्टील और इनलेट वाल्व का निकेल क्रोमियम स्टील। किसी किसी इंजन में, जैसे कि मरिन्स इंजन्स होते हैं, मरिन्स इंजन्स में वाल्व के बीच का भाग खोखला होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम नहीं है, तो इसके अंदर कूल करने के लिए जहां पे गर्मी अधिक होती है, जिस इंजन में ताप ज्यादा उत्पन्न होता है, एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर अधिक होता है, उसमें सोडियम फिल्ड वाल्व का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको दिखेगा नहीं, इसके अंदर हॉलो पार्ट बना रहता है और उस हॉलो के अंदर सोडियम फिल किया हुआ रहता है, ताकि वो हाई टेम्परेचर पे कूलिंग का कार्य कर सके। बाकी जितने भी वाल्व होते हैं पूरी तरह सॉलिड होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझे वाल्व क्या होता है और इंजन में कैसे कार्य करता है, किस धातु का बना होता है, कितने प्रकार का होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो आप इसे अवश्य लाइक करें, जहां पे कंफ्यूजन होता हो कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इस चैनल को प्रमोट करने में मदद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।